तो जनाब यहाँ है सैटरडे का दिन का आगाज़ और हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं भाई साविया साविया करें मार्ट में। क्यों गई हुई है, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी और हम निकले हैं भाई कहाँ, हम जा रहे हैं अपनी नन के घर और जो कि किचन विद नाज़रीन मेरी दोस्त भी हैं नन भी हैं, तो हम भाई निकले किचन विद नाज़रीन के घर। क्यों, क्योंकि बाजी की तबीयत है काफ़ी टाइम से ख़राब और जाना ही नहीं हो रहा था, बच्चों के पेपर चले थे, तो भाई अब छुट्टियाँ भी हो गई हैं, रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो अब हम निकले हैं बाजी की तरफ। और भाई ये देखें मलेर एक्सप्रेस का जो है पुल का जो नीचे का अंडरग्राउंड जो है वो ओपन हो चुका है, वहाँ से गाड़ियाँ जाना शुरू हो गई हैं। तो मौसम बड़ा अच्छा था, सुबह में बहुत प्यारा था, तो हम निकल गए हैं भाई ऑटो करके जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है भाई ऑफिस तो उनके टाइम में रहते हैं तो देर हो जाती और वो आते हैं शाम में, तो हम लोग निकल गए थे। और बाजी को बिल्कुल नहीं पता, अचानक हमने छापा मारा है और हमें पता है कि इस टाइम पे सब सो रहे होंगे बाजी के, और हुआ यही था कि सब सो रहे थे। तो अभी देखें, और बहुत देर बाद गेट खुला था। जल्दी चाय बनाओ प्लीज। भाई ये रखो, फिर मैं ये निकाल लो, पापे निकाल लो, ये रखो। नाश्ता भी नहीं करेंगे? हमने नाश्ता भी नहीं करा, हम सब नाश्ता यहाँ करेंगे। नहीं अच्छा, सरप्राइज कैसे रहता है? बैठ जाओ मेरा मम्मा। ये हम लोग अभी उठे और ये लोग आए, उन्होंने फोन भी नहीं किया कि हम आ रहे हैं। भाई सरप्राइज कैसे रहता? सरप्राइज हम सो रहे भी आप बैठे हैं। और अभी हम लोग सब साथ नाश्ता करेंगे, हम नाश्ता करके लिए सब एक साथ छापा मारा है। हम लोग 3 बजे उठते हैं, जैसे अम्मा की तबीयत खराब चल रही है, तो अभी आपको 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा। तो नाश्ता खुद ले ही आई। देखो एमन तुम सो जाओ, हमें पता था तुम लास्टली सो रही होगी, अकेले खुल रही। तो जनाब यहाँ लग गया है दस्तरखान, और बाजी के लिए स्पेशली ले गई थी बेसन के पराठे जो बनते, बेसन की रोटी, तो उसका मैंने आटा जो लेके गई थी बाजी के लिए, क्योंकि बाजी बड़े शौक से खाती है, और मामा, और बैगन का रायता और मंगोचिया जो थी वो मैंने कहा भाई आप अपने रख दें, बाद में डिनर में खाइएगा। तो यहाँ नाश्ता इन्जॉय हो रहा है और बाकी सब चीज़ें चाय वाय सब चल रही है भाई, और इन्जॉय हो रहा है, और अल्लाह ताला ऐसी दस्तरखानों को वसी रखे। नहीं भाई हम तो कुर्ता खा रहे हैं, क्योंकि बहुत मजे का है, वो मामा ने बनाया। ये असल में ना हम हाँ ये ब्रंच है। हाँ भाई ब्रंच हो गया, देखो 12:30 तकरीबन हो रहे हैं, पौने 1:30। हुआ कुछ नहीं भाई, किसी ने कुछ नहीं करा, बस हिफ्जा जो है ना वो बाथरूम जा रही है हाथ धोने के लिए। आम दो बाजी ने नाश्ते में आम रख दिया, और हिफ्जा को हमारे बहुत पसंद है भाई। यहाँ तो जनाब यहाँ हो गया नाश्ता हमारा फिनिश, सब नाश्ता कर चुके हैं और हम यहाँ बैठे हुए बाजी के साथ बातें कर रहे हैं। इसलिए ऐसे पासवर्ड रखे हमने, ये करते हैं जब तो आदत पड़ गई, नशा पड़ गया मेरे को। आजकल भी ये बात है यार, देख कितना सुकून मिलता है मुझे, कोई दबा जाए। मैंने कहा ये आदत मेरी ख़राब कर दी आपकी, दबा दबा के ना मालिश कर करके। मैंने कहा तुम छोड़ के बताओ बेटा, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा बस कल मैं जाऊंगी, कह रहा चल तू अब कुछ छोड़ने का। मैंने कहा बाजी क्या बोल रही हूँ जाने का, जब मैं इतने सारे थोड़ी छोड़ के जाऊंगी, कोई काम नहीं करवाऊंगा, बाजी जब हम आए थे ना उस टाइम पे इनका फेस देख ले और अब देख ले, और लोग सड़ रहे ना, कुछ लोग हैं जो वो जल रहे हैं कि ये मतलब इनके सुबह तो ये कुछ लोग हैं ये जलते हैं, हमारी दोस्ती से जलते हैं बाजी, बहुत जलते हैं। और ये देखो सच्ची दोस्ती होती है कि बाजी जब सुबह ना बहुत डाउन हुई थी, सोच बहुत डाउन हुई थी, और आप माशाल्लाह से देख लो बाजी का चेहरा, हमें घूमने जा रहे हैं। तो भाई जनाब यहाँ एमन और साबिया जो है वो अक्सर ये होता है कि भाई आप लोग इतनी बातें करते हैं, इतना करते हैं, तो हम बड़ी हुटिंगबाजी हो रही थी एमन के ऊपर कि भाई एमन जो है हम बोलते हैं भाई जलते हैं लोग हमारे, और एमन ने हमें कहा कि बेस्टीज़ हैं ये दोनों, और हकीकत है कि अल्लाह ताला हम दोनों को नज़रबंद से बचाया हमारी दोस्ती को, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। इतने साल हो गए शादी को, मगर बाजी हमारी कभी भी कोई ऐसी अनबन नहीं हुई है, और अल्लाह करे आगे भी ना हो, अल्लाह ताला हाथुद्दीन की हसद से बचाए और बस महफूज रखे बुरी नज़र से। तो भाई यहाँ बाजी हम लोग आए थे, कुछ चीज़ें बाजी को भी लेनी थी, कुछ मुझे लेनी थी, तो हम लोग मार्केट निकल कर आ गए थे। और जो बात है अल्लाह का शुक्र है बाजी की, जो सुबह कंडीशन हम आए तो बिल्कुल निढाल और सुस्त पड़ी थी, और अल्लाह ताला ने ऐसी हिम्मत दी, ऐसी एनर्जी दे दी हम सब के आने से कि वो हमारे साथ मार्केट भी गई, फिर बच्चों के लिए अब सब ये चीज़ें ले रही थी वो, कि हाई टी में कुछ ना कुछ अब बच्चों को चाहिए शाम में,
तो क्योंकि हमने नाश्ता जो है बहुत देर में करा था, तकरीबन 12:30 बजे करीब, और भूख बिल्कुल नहीं थी। उसके बावजूद भी बाजी ने पहले सब ये चीज़ें ली, उसके बाद फिर जाके बिरयानी बनाई है। और मैंने इतना मना करा था कि बाजी खाने का नहीं करें बाजी स्पैगेटी, और बाजी को इन लोगों को पता है मुझे मैक्रोनी स्पैगेटी मुझे बहुत पसंद है, तो मामा कह लेंगे कि मानी के लिए भाई वो बना दें। तो मैंने कहा कुछ नहीं, से अगर बना रही हो तो बिरयानी बनाओ झटपट, और वो भी हम भागेंगे क्योंकि हमें 6 बजे वापसी निकलना था, ज़्यादा देर नहीं करनी थी कि मुझे वापसी आना था। हस्बैंड अक्सर ले लेते हैं क्योंकि आजकल हस्बैंड के साथ कुछ एक हैं, कोई और भी होते हैं गाड़ी में जेंट्स वगैरह, तो हम नहीं जा पा रहे थे। तो यहाँ तैयारी शुरू हो गई बाजी की बिरयानी की, और तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाली है, बस चावल बॉयल होंगे, तय लगेगा। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाई थी, और अल्लाह ताला बाजी को हिम्मत और सेहत और तंदुरुस्ती दे। उन्होंने इस कंडीशन में भी अल्लाह ताला उनको हिम्मत दी और उन्होंने करा, जो कि हम बहुत मना कर रहे थे, मगर ये मोहब्बत होती है इंसान जब किसी कोई ऐसा अपनाइत वाला होता है ना, या मैं किसी को जाता तो एक एनर्जी आ जाती है, और बाजी और मेरा है भी साथ ऐसा ही, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे कब से लगी हुई थी कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं, देखने ज़रूर जाना है, तो भाई आज अल्लाह का शुक्र है हिम्मत करी और वो हिम्मत पूरी हो गई, और दस्तखान जनाब लग चुका है, और बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और बस बिरयानी खाते हम लोगों ने दस्तखान समेटा और हम निकलने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि हमें तकरीबन 6:30 तो हो ही गए थे। तो कैसा लगा ये व्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। भाई जनाब ये देखें ज़बरदस्ती बिरयानी आ चुकी है, तो आइए हमारे साथ एंजॉय करिए। तो भाई हमारा लंच और डिनर दोनों साथ थे, और साविया की भी और अलेहा की भी दोस्ती ऐसी है जैसे हमारी और बाजी की। तो भाई अलेहा की वजह से ही मैं साविया को वहाँ छोड़ने गई थी, क्योंकि अलेहा उन्हें याद करी थी, तो साविया जो गई हुई थी, तो हमने कहा भाई ठीक है तुम बाद में चली जाना दोबारा दादू की, अभी फ़िलहाल तुम वहाँ चलो। बहुत जबरदस्त बनी थी और अब लग रहा है कि आपकी तबीयत आहिस्ता से सेट हो रही है, देखो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बाजी जिनको देख के ना इनकी तबीयत बहाल हो जाती है। बेस्टीज नहीं बोलते ना, देखो ये बेस्टीज है, ये हम उनके सेहत के लिए ऐसे बोलते नहीं, वो हम बाकी ऐसे बोलते हैं। ये सारे जलने वाले लोग हैं, पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो जलते रहते हैं। ये देखो एमन एंड साविया, अब मैं डालूंगी यही थंबनेल, लोग जलते हैं हमारी दोस्ती से। अब यहाँ जो है साविया रहने के लिए आ गई, हम साविया को यहाँ छोड़ना है, पहले नहीं थी दादू के घर पे, तो अब यहाँ आ गई, और ये अब फिर दोबारा जाएंगी दादू के घर पे। मैंने कहा भाई अब तुम्हें अलेहा बुला रही तो पहले तुम छोड़ो, बाद में रहना दादू के घर पे, बाद में चली जाना, अलेहा याद कर रही तो पहले तुम इधर आ जाओ, फिर उसके बाद तुम दादू के चले आना। तो साविया अब आप दादू के जाइएगा, अकेले इंजॉय करिएगा। जा रहे बेटा, हेमंत भाभी जा रही है। ओके बच्चे, चल तू साथ ही चल मेरे।